सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग अपने पिछली कक्षाओं में ट्रायल फाइट्स के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें आप लोगों ने यह कहा था कि यह ट्रायल फाइट्स हमारा क्या होता है, कैसे होता है, तथा अब इसके बाद हम लोग अभी अपनी अगली कक्षा इस कक्षा में लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कवक व शैवालों के मध्य माना जाए जाता है, या इसको आप एक संयोजक कड़ी भी कर सकते हो। तो लाइकेन के बारे में हम कहते हैं कि यह क्या होते हैं। लाइकेन एक कैसा है, लाइकेन कवक व शैवालों के सहयोग से बनने वाला पौधा होता है, जिसमें कवक व शैवाल दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। लाइकेन सहजीवी होते हैं, ये चट्टानों चट्टानों पेड़ों की छाल पर पाए जाते हैं। इनकी सोलह हजार जातियां पाई जाती हैं। अत्याधिक गर्म ठंड स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इनके आकारिकी के बारे में जानते हैं। तो लाइकेन क्या हो गया, यह एक सहजीवी होते हैं, ये चट्टानों और पेड़ों की छालों पर पाए जाते हैं। इनकी 400 वंशज तथा 16,000 जातियां पाई जाती हैं। ये अत्याधिक जहाँ पे अत्याधिक गर्मी या अत्याधिक ठंडी को पार होती है, वहाँ पे ये लाइकेन अधिकतम पाए जाते हैं। अब इनके आकार की बात करते हैं हम कि लाइकेन के किस प्रकार के होते हैं। तो आकार की बात जब आप करते हो संरचना के आकार में कैसे होते हैं, तो देखते हैं हम Thank you.
आकृति के आधार पर उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा क्रस्टर, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये चट्टानों और वृक्षों की छाल पर उगते हैं और आधार पर पपड़ी के समान लगे रहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये चट्टानों की छाल पर चिपके होते हैं। इन्हें आसानी से नहीं छुड़ाया जा सकता। जैसे के रूप में आप देखेंगे तो एग्जाम्पल के रूप में आपका आ जाएगा ग्राफिया। दूसरा जो होता है वो राइजोकार्प। दूसरा इनका प्रकार होता है वह होता है हेलिकोज। हेलिकोज की बात करते हैं तो ये चपटे तथा पत्तीनुमा होते हैं, जैसे पत्तियां होती हैं उस प्रकार ये जो हमारा हेलिकोज होता है इस प्रकार के होते हैं, पत्ती नुमा व चपटे होते हैं। तो हेलियोज क्या होते हैं? ये चपटे और पत्तीनुमा होते हैं।
इनके वो पांच मसल जो किनारे होते हैं वो कटे फटे होते हैं, इनमें महीन मुलायम मुलाभास होते हैं, जिसके कारण वो किसी आसमान को पकड़े रहते हैं या ये उस चीज से चिपके रहते हैं। जैसे में पारमलेरिया हो गया, फाइसिंग सिया हो गया था, पेटी जेरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे कवक की। जब पेट शक्ति नुमा वह झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये आपके तीनों लाइटिंग के प्रकार हो गए। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज क्या होता है, यह अत्यधिक चपटे व पत्तीनुमा झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं, जिसके कारण उनकी शाखाएं क्या होती हैं, किसी आधार पे चिपकी हुई होती है। तो जैसे आसिनिया, क्लेडोनिमा, ये क्या हो गए, इनके प्रकार हो गए। अब इनमें हम जनन की बात करते हैं, तो जनन इनमें दो प्रकार से होता है। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। अलैंगिक जनन के प्रकार, तो अलैंगिक जनन में विखंडन सोलिडिया या इसीलिया सीडिया द्वारा होता है। अब इसके बाद हम इनकी व्याख्या कल और लैंगिक चयन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।